हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है, यह है यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस कांस्टेबल, कांस्टेबल की पोस्ट 2024 के अंतर्गत ये एग्जाम कंडक्ट हो रहे थे और ये पेपर है आपका 17 फरवरी का, 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ है उसका ये पेपर है आपका। तो इस पेपर के अंदर जो जीएस के और जीके के जो क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर भी आपको लगभग 35-36 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन टोटल, और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 69। ओके, लैक्टिक एसिड कहाँ देखने को मिलेगा? दही के अंदर मिलेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। गोदान, ये फेमस नॉवल है, यह है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइबर क्राइम के लिए कंप्लेंट नंबर क्या है? 1930, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। गुड़ी पड़वा, ये फेस्टिवल आपका महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 75, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग डेकेडल सेंसस रेस्ट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जनगणना करवाना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इसमें पूछा है 72 नंबर क्वेश्चन। संविधान दिवस आपका सेलिब्रेट होता है 26 नवंबर को। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये है आपके नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 77 नंबर क्वेश्चन की। सो इंडियाज लार्जेस्ट इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस प्रोग्राम ऑपरेशन कायाकल्प, ये लॉन्च किया गया था किस गवर्नमेंट के द्वारा? बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। टैगलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प या संकल्प हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ग्रैंड कैनन लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर वॉज कर्व्ड आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, दैट इज कोलोराडो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आइडिया ऑफ नेशन वाइड जीएसटी इन इंडिया वॉज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था कीलकर टास्क फोर्स ने, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च साइंस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, सो ये लोकेटेड है इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 83, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर लैंड विद द इंडिया, तो यहाँ पर जो बाउंड्री शेयर नहीं करते वो देश है आपका मालदीव्स। टोक्यो कैपिटल है किसकी? जापान की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की है, टंगका इज द मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सो इट इज रिलेटेड विद द सिक्किम। नर्मदा नदी जो है वो कहाँ गिरती है? वो अरेबियन सी के अंदर गिरती है। प्रभावती गुप्ता वॉज द डॉटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, दैट इज चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्क्राइब्ड द बॉर्डर ऑफ एवरी पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एबनॉर्म्ड इट्स पीसेस, दैट इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, नेम द सॉन्ग विच सेलिब्रेट्स द डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्णा, दैट इज रशिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज लॉन्च्ड पार्ट मित्रो विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी, ये किसको मिलेगी बेसिकली, किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड विद द जूट प्रोडक्शन। Recently, the statue of Tamil poet and philosopher Thiruval has been unveiled in which of the following country? ये बनी है France के अंदर। Who among the following was the Prime Minister of India at the time of the demonetization? मतलब नोटबंदी के टाइम पर प्रधानमंत्री थे नरेंद्र
मोदी। ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 92 के बाद 93 की, 93 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एन इकोनॉमिक वेयर बोथ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर रहते हैं उसे कहते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हु अमंग द फॉलोइंग, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 96। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड, दैट इज श्री जमशेद जी नवरोज जी टाटा। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन एम्स एट डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन बाय द प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑथेंटिकेट डिजिटल डॉक्यूमेंट, ये आपका है डिजी लॉकर। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द फिशरीज प्रोडक्शन। रिसेंटली द फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश, दैट इज इन यहाँ पर रहेगा मथुरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक has launched the India's first corporate credit card on rupee network, that is IndusInd Bank. Option number C हो जाएगा यहाँ पर question का correct answer. ठीक है? Okay, फिर हमारा next question है यहाँ पर। Yao Tso is a biodiversity heritage site. ये कहाँ पर है? ये है लद्दाख के अंदर. ठीक है? The state government shall appoint how many collector, not including assistant or additional collector, as per the उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, दैट इज यहां पर रहेगा 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहां। क्वेश्चन नंबर 104, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड विजनरी इनिशिएटिव दैट एम्स टू एम्पावर वुमेन्स फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंसेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज मिशन शक्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ 105 नंबर क्वेश्चन। द स्टेट बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, दैट इज तेलंगाना यहाँ रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एट प्रेजेंट हाई कोर्ट के अंदर जजों की संख्या कितनी है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर 160 है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर। ओके, ये है आपके लास्ट के दो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पेपर के जो जीएस के हैं। तो पहले चीफ मिनिस्टर जो है उत्तर प्रदेश के यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे? वो थे श्री गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हाईएस्ट पीक जो है साउथ की वो कौन सी रेंज में देखने को मिलती है? अनाईमुड़ी, ये आपका नीलगिरी रेंज के अंदर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पेपर था आपका कौन सा? यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल 2024 के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा था और ये एग्जाम हुआ था आपका 17th of February, सेकेंड शिफ्ट के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसका पेपर था। इसके अंदर हमने जीके और जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।